और अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस जेजेपी के बीच गठबंधन को लेकर मंत्री महिपाल ढांडा ने क्या कुछ कहा। एक तरफ कांग्रेस जेजेपी बीजेपी के लिए काम कर रही है, दूसरी तरफ कह रही हमारी जेजेपी के साथ बात चल रही है। ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर कर लो कि कौन किसके साथ है, ये बात महिपाल ढांडा कहते नजर आए। कांग्रेस जो मर्जी कर ले, जनता उनके साथ नहीं आने वाली है। तो कांग्रेस जेजेपी के बीच गठबंधन को लेकर पंचायत राज मंत्री महिपाल ढांडा ने ये तमाम बातें कही हैं। हमारे तो बात ही समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि जेजेपी बीजेपी के लिए काम कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रहे हैं कि हमारी जेजेपी के साथ बातचीत चल रही है। तो ये तो क्लियर कर लो कि कौन किसके साथ है। अब खाली अखबार में मीडिया में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उलझुल बयान देते रहते हैं, मगर सही बात तो यह है कि इस प्रदेश की जनता का मूड क्या है। मूड है भारत को और इस हरियाणा को विकसित हरियाणा विकसित भारत बनाना है। देखो एक रोड मैप लेके काम करना चाहिए। इनके पास कोई नीति नहीं है और ना इनकी नीयत है। इनकी नीयत तो यह है कि भाई हमारे पेट कमर का लग गए, 10-15 साल हो गया मैं सत्ता से बाहर हुए, अगर इस बार भी ना आए तो हम तो मर जाएंगे। ये ऐसी ऐसी बात सार्वजनिक रूप से करते रहते हैं। तो ये इन लोगों से आप क्या उम्मीद करोगे कि भाई ये लोग इस प्रदेश के या देश के भले के लिए कुछ करेंगे। अब तो नकलची और हो गए बिना कांग्रेस की गारंटी। अरे 60 साल तुमने इस देश की